सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको झारखंड के नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे जंक्शन की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे जंक्शन पूर्वी भारत के झारखंड राज्य में और धनबाद जिला के गोमो शहर में स्थित झारखंड के और धनबाद जिला के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। यह जंक्शन झारखंड का और धनबाद जिला का एक बहुत ही खास रेलवे जंक्शन है, जो रेलवे नेटवर्क के माध्यम से झारखंड के अलावा भारत के प्रमुख शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, सूरत, लखनऊ, हैदराबाद और भारत के कई और महत्वपूर्ण शहरों के साथ भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस रेलवे स्टेशन का कोड है GMO। गोमो रेलवे स्टेशन एक कैटेगरी रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है। इस रूट से चलने वाली ज्यादातर रेलगाड़ियों का इस स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है, जिस वजह से यात्री गोमो जंक्शन के माध्यम से भारत के अलग अलग शहरों तक बड़े ही आसानी से पहुँच सकते हैं। गोमो रेलवे जंक्शन झारखंड का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 100 वर्षों के अधिक समय से धनबाद जिला वासियों के लिए और आसपास के यात्रियों के लिए सर्विस प्रदान कर रही है। यह जंक्शन धनबाद डिवीजन का एक बहुत ही खास रेलवे स्टेशन है, जो हावड़ा गया दिल्ली लाइन पर, हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन पर, गोमो हटिया लाइन पर और आद्रा गोमो लाइन पर स्थित होने की वजह से यह स्टेशन काफी व्यस्त है। गोमो रेलवे जंक्शन का गठन उस समय किया गया था जिस समय पश्चिम बंगाल के आसनसोल को बिहार के गया से जोड़ा जा रहा था। ठीक उसी दौरान गोमो रेलवे स्टेशन का भी गठन किया गया था। वैसे गोमो रेलवे स्टेशन का गठन साल 1906 में आज से तकरीबन 113 वर्ष पहले यात्रियों के लिए शुरू किया गया था। जानकारी के लिए बता दें, हावड़ा से गया और गया से दिल्ली रेल लाइन को साल 1907 के दौरान खोला गया था, जिसकी दूरी लगभग 1449 किलोमीटर है, जिसे कोलकाता दिल्ली और ग्रैंड क्रोड लाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह रेल लाइन पश्चिम बंगाल के हावड़ा और भारत की राजधानी दिल्ली को गया और मुगलसराय के माध्यम से आपस में जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन है। इसी रेलवे लाइन के बीच में गोमो रेलवे जंक्शन स्थित है। हावड़ा से इलाहाबाद और इलाहाबाद से मुंबई रेल लाइन को साल 1870 में खोला गया था, जिसकी दूरी लगभग 2127 किलोमीटर है, जिसे कोलकाता मुंबई लाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह रेल लाइन पश्चिम बंगाल के हावड़ा को और महाराष्ट्र के मुंबई को इलाहाबाद और जबलपुर के माध्यम से आपस में जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन है। इसी रेलवे लाइन के बीच में गोमो रेलवे स्टेशन स्थित है और गोमो से हटिया रेल लाइन को साल 1961 में खोला गया था, जिसकी दूरी लगभग 152 किलोमीटर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे जंक्शन का नाम पहले सिर्फ गोमो रेलवे जंक्शन ही हुआ करता था। 23 जनवरी साल 2009 को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने इस रेलवे स्टेशन का नाम गोमो जंक्शन से बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे जंक्शन कर दिया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी फौज से बचने के लिए धनबाद के गोमो शहर में अपने साथियों के साथ शरण ली थी। 18 जनवरी साल 1941 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने सभी साथियों के साथ अंग्रेजों के आंख में धूल झोंक कर गोमो रेलवे स्टेशन से अमृतसर मेल पकड़कर पठानकोट चले गए थे और साल 1945 में ये लापता हो गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत में अंतिम बार यात्रा करने की वजह से पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने इस रेलवे स्टेशन का नाम गोमो स्टेशन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे जंक्शन कर दिया था। आपको बता दें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे जंक्शन से तीन मुख्य रेलवे लाइनें निकलती है। पहला धनबाद जंक्शन, दूसरा चंद्रपुरा जंक्शन और तीसरा कोडरमा जंक्शन को सीधे आपस में जोड़ती है। इलेक्ट्रीफाई की बात करें तो गोमो रेलवे जंक्शन को साल 1960 से साल 1961 के दौरान इलेक्ट्रीफाई किया गया था और हावड़ा गया दिल्ली लाइन को साल 1960 से साल 1966 के दौरान इलेक्ट्रीफाई किया गया था।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे जंक्शन भारतीय रेलवे के इस सेंटर रेलवे जोन के धनबाद रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। 5 नवंबर पर साल 1951 में गोमो रेलवे जंक्शन को धनबाद रेलवे डिवीजन का हिस्सा बनाया गया था। गोमो रेलवे जंक्शन की ऊंचाई समुद्र तल से 239 मीटर तकरीबन 784 फुट के करीब है। गोमो रेलवे जंक्शन में टोटल 6 प्लेटफॉर्म शामिल है। इस स्टेशन से रोजाना तकरीबन 35,000 से ज्यादा यात्री सफर करते हैं और लगभग 88 रेलगाड़ियों से ज्यादा इस स्टेशन के माध्यम से शुरू होती है, समाप्त होती है और गुजरती है। आपको बता दें, गोमो रेलवे जंक्शन के माध्यम से कुल मिलाकर रोजाना 72 रेलगाड़ियां इस स्टेशन पर रुकती है और कुल मिलाकर 8 रेलगाड़ियां रोजाना इस स्टेशन के माध्यम से बनती है और कुल मिलाकर 8 रेलगाड़ियां समाप्त होती है। गोमो रेलवे जंक्शन हावड़ा गया दिल्ली ग्रैंड क्रोड लाइन पर, हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन पर, गोमो बरकाकाना लाइन पर, गोमो हटिया लाइन पर और आगरा गोमो लाइन पर स्थित है।